बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मोहम्मद पटेल भाई और सायरा पटेल जो इनकी अहलिया हैं, इनको दोनों को दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि तकरीबन 25 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर। और जब भी कोई भी छोटी मोटी बड़ी जो भी ज़रूरत होती है, अभी ये तो बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मैं पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ कि एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के राइटर जो दिनेश राय थे, कलकत्ता के थे और मैं पटना में शूटिंग कर रहा था, इत्तेफाक से उनकी डेथ हो गई और सारा जिम्मा मैंने मोहम्मद भाई को लगाया। ये बात है 30 जुलाई की और मैं 31 जुलाई को यहाँ पे आया और हम सब ने मिल के कितनी परेशानी हुई हॉस्पिटल से बॉडी लेने की, पंचनामे की, और कैसे कैसे करके फिर उनके भाई का अता पता निकाला। दो रोज लग गए मेरे बच्चे सनाउल्ला फैयाज खान, इन लोग लगे रह गए फेसबुक व्हाट्सएप पे, फिर उनका नंबर मिला और उनको बुला के और उनका दाह संस्कार किया गया। तो ये बहुत ऊंचे ख्याल के हैं, ये दिखते हैं बहुत छोटे, लेकिन इनका दर्जा बहुत बड़ा। इनके लिए जोरदार तालियां हो, हर के अच्छे बुरे वक्त पे ये काम आते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे गार्जियन हैं, फारूक आजम साहब हमारे गार्जियन हैं। जब मैं बिहार से पहली दफ़ा आया था तो मालूनी इनको मिलने गया था और मैंने कहा कि आपकी सरपरस्ती में मैं काम करना चाहता हूँ, तो इन्होंने समझा कि शायद बिहार के खून में पॉलिटिक्स है, तो मैंने कहा नहीं, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा कि मेरा उसमें दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और बाकी ये कि गार्जियन में हो, आप कोशिश करो, इंशाल्लाह मसला जो है कुछ ना कुछ हल होगा। उसके बाद सोहेल भाई, सोहेल भाई हमेशा हमको हिम्मत अफजाई करते रहे, जबकि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे क्या डायलॉग लिख के दिया जाता है, लेकिन सोहेल भाई बोलते हैं कि अली खान तो बहुत अच्छा बोलते हो, क्योंकि हिम्मत अफजाई करते हैं हमारे गार्जियन, और इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। निजामुद्दीन राय साहब, एक जमाने में ये दोपहर अखबार निकलता था जहाँ पे इन्होंने पहला इंटरव्यू मेरा किया था, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा पहला इंटरव्यू किसी ने छापा था तो निजामुद्दीन राइन साहब ने, जो अखबार मैंने 1000 कॉपी बिहार भेजा था, बटवाया था कि मैं फिल्मों में काम करना कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को कतई नहीं भूल सकता हूँ। साहेब अली साहब, आपने इतनी शानदार जगह हमारे मोहम्मद भाई को दी, हम लोगों को यहाँ पे एयर कंडीशन में एक मौका मिला, अपने जो जिन लोगों की वजह से आज हम इस मुल्क में आज आराम से सुकून से जिंदगी निकाल रहे हैं, जिन हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी मुल्क के लिए, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन पटेल साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं, जब जब इलेक्शन से लेकर के बाहर भी हम लोग हमेशा, और जब भी उस इलाके में कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास करके इनसे ज़रूरत क्या पड़ती है इलाज की, तो मैं फ़ोन करता हूँ कि अमीन भाई ये आदमी बहुत गरीब है और इसको मसला जो है टाटा हॉस्पिटल का, कैंसर के लोग बहुत आते हैं हमारे यहाँ बिहार से, तो अमीन भाई हमेशा हम लोग की मदद करते हैं। इन शॉर्ट ये कि मैं एक एक्टर हूँ, जैसा कि आप सब ने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ, और फिर भी मेरे दिल में, तो देखिए हर इंसान को, चूँकि मैं इस मुल्क में हूँ, हमें इस मुल्क के बारे में सोचना है, यहाँ की तकलीफ के बारे में सोचना है, आज जो भी हालात ख़राब हो रहे हैं उसके बारे में सोचना है। मेरा यही कहना, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि हमें आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रहने दो, हमें मत बांटो। बस इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चूँकि मेरा वक्त लालू प्रसाद जी को अभी मैं देखने एशियन हार्ट जा रहा हूँ, कल फारूक भाई को भी लेके जाना, 5 बजे का वक्त है, उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स उनके पास आ जाएंगे, फिर मेरी मुलाकात हो नहीं पाएगी। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इनके कहने पे मोहम्मद पटेल साहब के, आप सब ने वक्त निकाला। सबसे बड़ी बात है मुंबई शहर में वक्त निकालना, मीडिया का भी, कि आप लोग इनकी शॉर्ट नोटिस पे, और आपने ये नहीं समझा कि ये प्रोग्राम जो है छोटा प्रोग्राम है, ये देश का प्रोग्राम है और देश के लिए आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।